टू माई अनदर व्लॉग। तो आज के इस व्लॉग में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो मेरा बाइक लेने से पहले इंटेंशन था कि अपने बाइक में ये मुझे मॉडिफिकेशन करना है, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक मॉडिफिकेशन था जो कि मैंने बाइक लेने से पहले सोचा था, जो है अपना टॉप बॉक्स। तो जो हम लोग स्कूटर या स्कूटी में हम लोग को स्पेस मिल जाता है डिक्की के अंदर या सामने पैर के नीचे, तो वहाँ पे बहुत सारी स्पेस होती है, आप लोग वहाँ पे सामान रख सकते हो। लेकिन बाइक के साथ में एक प्रॉब्लम होती है कि आप लोग सामान कहाँ पे कैरी करें। तो जब भी हम लोग ब्लॉग या कुछ शूट करने जाते हैं तो कैमरा, हेलमेट, ग्लव्स वगैरह ये कहाँ पे रखें, तो ये सबसे ज़्यादा मेन मुझे दिक्कत होती थी। तो इसके लिए मैंने ये पहले से ही सोच के रखा था कि मैं जब भी बाइक लूँगा, मोटरसाइकिल लूँगा, तो उसके ऊपर मुझे एक मॉडिफिकेशन करना है जो कि एक टॉप बॉक्स अच्छा सा। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये मैंने पहले सोचा था जो ASG कंपनी का आता है, तो वो एक कुछ सूटकेस टाइप होता है इतना बड़ा सा। तो उसके अंदर मुझे एक दिक्कत आ रही थी कि मैंने बहुत सारे YouTube के ऊपर उसके वीडियोस देखे, बहुत सारे रिव्यूज़ देखे, तो उसके अंदर फुल फेस हेलमेट नहीं बैठ पाता, जो उसकी जो हाइट होती है तो हाइट जो है वो थोड़ी कम होती है, तो उसकी वजह से उसके अंदर हेलमेट बैठ नहीं पाता है। तो वही ड्रॉबैक जो है, तो वो स्टड्स वालों ने बहुत ही अच्छे से रिसर्च करके उन्होंने टॉप बॉक्स बनाया, वो भी एकदम फर्स्ट लेवल का। मतलब ऐसा सोच सकते हो आप लोग कि उसके नीचे का टॉप बॉक्स आता ही नहीं है। तो जो बेसिक जो टॉप बॉक्स है उसकी थोड़ी सी चीप क्वालिटी आती है स्टड्स के टॉप बॉक्स की, तो उसके अंदर जो है आपका फुल फेस हेलमेट बैठ जाता है, जो कि काफ़ी रिजनेबल प्राइस में आप लोगों का मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा, कहीं पर भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो उसका कुछ नो इशू है, ऑनलाइन भी आप लोग परचेस कर सकते हो। और काफ़ी सारे ब्रांड्स के मैंने टॉप बॉक्स देखे, जैसे कि ट्रैक एंड राइड है, और शार्ड कंपनी का भी आता है, और बहुत सारे कंपनी के अलग अलग टॉप बॉक्स होते हैं और काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। जो मैं ASG लेने का सोच रहा था तो उसकी नियर अबाउट कॉस्ट जा रही थी मुझे 4000 से लेके 4500 रुपीज़ तक, तो इतना महंगा मैं ख़रीदने के लिए अभी तक रुका था। तो मैंने सोचा कि उसके अंदर मेरा काम हो जाएगा, लेकिन मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे तो उसके अंदर फुल फेस हेलमेट नहीं आता है, और वो काफ़ी बहुत बड़ा दिखता है अगर बाइक के ऊपर आप लोग उसको इंस्टॉल करते हो तो, बहुत बड़ा दिखता है बॉक्स, तो मुझे वो इतना अच्छा नहीं लगा। तो मैंने वो स्टड्स वाला जो है वो, जो कि एवरग्रीन है, मार्केट में आप लोगों को कभी भी मिल जाएगा। और मोटरसाइकिल अगर आप लोग चलाते हो तो सामान कैरी करने के लिए आप लोगों को पता ही होगा कितना ज़्यादा मुश्किल होता है, तो उसके लिए मैंने वो स्टड्स का जो टॉप बॉक्स है वो परचेस कर लिया। मार्केट में काफ़ी सारे अलग अलग ब्रांड्स के जो है टॉप बॉक्स अवेलेबल है। जो हिमालयन के ऊपर आता है वो मुझे काफ़ी पसंद आया था, जो मेटल का होता है, लेकिन उसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा, मतलब नियर अबाउट 50 से 60 हज़ार रुपये तक का भी टॉप बॉक्स आपको मिल जाएगा मार्केट में। लेकिन इतना ज़्यादा बजट आप लोग समझ ही सकते हो कि मिडिल क्लास लोगों के लिए इतना बजट नहीं लेकर चल सकते। तो मैंने वो स्टड्स का जो टॉप बॉक्स वो परचेस कर लिया, तो उसकी जो फिटिंग है वो हम लोग अभी करके देखेंगे घर पर। सो अभी हम लोग जाएंगे और उसका इंस्टॉलेशन करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। ये मुझे एक स्टड्स का जो मुझे परचेस करना था टॉप बॉक्स, तो ये मुझे मिल चुका है, तो ये कुछ इस टाइप का है। तो इसके साथ में ये मुझे कैरियर लेना पड़ेगा, ये जो रैक होता है, तो ये 350 रुपीज़ का ये बोल रहे हैं, और ये जो टॉप बॉक्स है वो 1150 का कुछ तो बोल गया, तो टोटल मुझे वो सब कुछ मिल जाएगा 1400 रुपये तक। तो इसके साथ में कुछ नट एंड बोल्ट्स मिल गए हम लोग को, ये कुछ फिटिंग्स के लिए, और नीचे मैटिंग भी होती है इसके साथ में जो फ्री में मिलती है, और इसके साथ में दो कीज़ मिलती है हम लोगों को। सो गाइस, ये हम लोग अभी घर पर आ चुके हैं, तो ये कुछ इस टाइप का जो टॉप बॉक्स है ये मुझे मिल चुका है। हम लोगों ने पूरा फिटिंग कर लिया था इसका, लेकिन मैं आप लोग को वीडियो में खाली दिखाने के लिए इतना कि किस टाइप से इसका फिटिंग वगैरह आ सकता है, तो इसके लिए मैंने इसको पूरा रिमूव कर लिया। इसके साथ में हम लोगों को ये की मिलता है, तो इसका लॉक कुछ इस टाइप का होता है, थोड़ा सा इतना भी ज़्यादा आप लोगों को अच्छा क्वालिटी नहीं मिलेगा इसका, लेकिन जो प्राइस रेंज है उसके हिसाब से काफ़ी बेहतर प्रोडक्ट यह है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है इसका, मैक्सिमम कैपेसिटी जो है इसकी कैरिंग की जो 3 kg तक आती है, और ये कुछ नट बोल्ट्स और फिटिंग लॉक की वगैरह इसके साथ में क्या आता है उन्होंने बता दिया इन्फॉर्मेशन। ये कुछ इस टाइप का ब्रांडिंग, और ये रिफ्लेक्टर, जो रिफ्लेक्टर भी है वो काफ़ी अच्छा है, अगर पीछे से अगर कोई बाइक आती है तो उनको पता चलता है। ये कुछ नट एंड बोल्ट्स उसके साथ में फिटिंग में मिल जाते हैं, और ये जो मैटिन है ये मैटिन भी उसके साथ में मिलती है। अगर आप लोग इसके अंदर कुछ सामान वगैरह रखते हो तो वो डैमेज नहीं होना चाहिए, इसके लिए ये मैटिन दी है इसके साथ में। और ये 4 होल होते हैं, इसको जो नट्स वगैरह है वो इसके अंदर लगा देते हैं हम लोग, और ये मैटिंग काफ़ी अच्छी है इसके अंदर, इसके साथ में फ्री मिलती है।
और तो ये कुछ नट एंड बोल्ट्स की फिटिंग्स है, ये पाना मिला है, पाना है मेरे पास, तो इससे हम लोग इसको फिट कर सकते हैं। ये इस टाइप का जो रैक है ये हम लोगों ने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है। तो मैं बाहर गया था मार्केट में, तो उन वहीं पर मैंने सोच लिया कि इसको कैरी कैसा करेंगे, तो मैंने फिट कर लिया। तो ये जो नट है वो थोड़ा सा ओवर साइज़ का लगेगा, तो इसको हम लोगों को चेंज करना पड़ेगा, जो स्टॉक आता है वो निकाल लेना पड़ेगा और इसकी जगह पे ये नट लगा देना पड़ेगा। और ये जो इस टाइप का जो फिटिंग होता है, तो इधर से नीचे से जो ये जो क्लैंप दिख रहा है आपको, इसके नीचे का नट जो है वो नट में लग जाता है, और ये जो है हम लोगों को स्टॉक वाला निकाल के आफ्टर मार्केट हम लोगों को नट लगा देना है। और काफ़ी खूबसूरत सा रैक है, काफ़ी अच्छा दिखता है। थोड़ा सा ये जो आप देख रहे हैं ये थोड़ा सा बाहर आता है, जो बाइक होती है उससे थोड़ा सा बाहर निकलता है पीछे से। और ये जो है मुझे लगा था कि ये जो बैक का जो सपोर्ट होता है, ये जो रॉड देख रहे हो आप, ये निकालना पड़ेगा, ये कुछ निकालना नहीं पड़ता है। तो उसके अंदर से ये जो इन्होंने देखिए ऐसा फिटिंग कर दिया है। ये रैक काफ़ी मज़बूत मिला है मुझे, 350 रुपीज़ में मुझे रैक मिला है। तो अभी हम लोग इसको इंस्टॉल कर दें, तो ये कुछ इस टाइप का हम लोगों का बॉक्स लग जाएगा इसके ऊपर। जो नीचे से जो ये होल है वो आप लोगों को मैच करने पड़ेंगे खाली, वो अगर मैच हो जाते हैं तो वहाँ पर आप लोगों को वो बॉक्स को फिक्स कर देना है। वो जो क्लैंप और नट वगैरह जो मिले थे नट एंड बोल्ट, तो वो इसके अंदर आसानी से लग जाते हैं। ये कुछ इस टाइप का दिखेगा। बहुत सारे मोटरसाइकिलिस्ट जो होते हैं उनकी प्रॉब्लम होती है कि आप लोग सामान कहाँ पे कैरी करें। तो ये इस टाइप से हम लोगों ने फिटिंग कर लिया, जैसे कि आप लोगों ने देखा ये नीचे से इसके ऐसे क्लैंप्स आते हैं जो उसको नीचे से पकड़ के रखते हैं। तो इस टाइप से हम लोगों को ये लगा देना है। तो ओवरऑल फिटिंग आप लोग देख ही सकते हो कैसा हो गया। तो ये चार नट एंड बोल्ट्स है, ये हम लोगों को लगा देना है इस टाइप से। और ये जो मैटिन है ये इस टाइप से ऐसा आ जाएगा। और ये बॉक्स, ये पूरा काफ़ी अच्छा लुक आता है, मुझे तो इसका डिज़ाइन बहुत ही पसंद आया। और जो ज़रूरत होती है हम लोगों की जो हेलमेट वगैरह रखने की, तो वो फुलफ़िल हो जाती है, आपकी जो ज़रूरत है वो फुलफ़िल हो जाती है। तो आप लोग इसको परचेस कर सकते हो 1200 से 1300 रुपये में, काफ़ी चीप प्रोडक्ट है और मज़बूत भी है। इतना ज़्यादा अच्छा मटेरियल नहीं है, लेकिन आपका बिगिनर लेवल पर आपका काम हो जाएगा। ये थोड़ा सा पिलियन राइडर को ये जो है थोड़ा सा हिंजेस जो है ये चुभते हैं, तो इसको कुछ तो हम लोगों को पैडिंग वगैरह लगा देना पड़ेगा। काफ़ी बॉक्स, लेकिन बॉक्स का जो लुक है वो काफ़ी बेहतर ही आता है। तो इसके अंदर मैं आप लोगों को हेलमेट और ग्लव्स है मेरे पास, तो वो हम लोग रख के देखेंगे। ये मेरे पास हेलमेट है फुल फेस, और ये ग्लव्स है, तो इसके लिए जिसके लिए हम लोगों ने ये परचेस किया है बॉक्स, तो वो हम लोग उसके अंदर रख के देखेंगे कि इसके अंदर फिट होते हैं या नहीं। तो लॉक को इस टाइप से हम लोगों को खोल देना है, और ऐसा हम लोगों को ये हेलमेट इसके अंदर रखना है। तो काफ़ी इजीली आप लोग इसके अंदर एक फुल फेस हेलमेट रख सकते हो। ये स्टड्स का मेरे पास थंडर हेलमेट है, थंडर सीरीज़, जो एल साइज़ में मेरे पास है, 580 नंबर का, 580 mm साइज़ में। तो ये काफ़ी आसानी से बैठ जाता है, इसके ऊपर का जो साइज़ होगा तो उसमें थोड़ी दिक्कत जाएगी, लेकिन ये काफ़ी आसानी से बैठ गया है। थोड़ा सा सामान वगैरह होगा तो एडजस्ट करके उसको आप लोग, अभी ट्रैक पर जाते हो, राइड वगैरह पर जाते हो, अभी हम लोग कहीं पर वाटरफॉल पे जाते हैं तो बाइक को हम लोग लगा देते हैं, तो हेलमेट कैरी नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर हम लोग हमारा सामान रख के हम लोग कहीं पर भी जा सकते, तो हमारा जो हेलमेट वगैरह है वो सेफ़ रहेगा, और बारिश के दिनों में तो बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। मैंने मार्केट से डायरेक्ट सीधा जाके ले लिया, तो ऑनलाइन मुझे मिल नहीं रहा था, और ऑनलाइन अगर मिलता भी तो उसको आने के लिए बहुत देर लगता था, इसलिए मैं मार्केट में अवेलेबल था, इसलिए मैं मार्केट से ले लिया। मैंने सीधा एक
शॉप का इंटरनेट से नंबर निकाला और उनको कॉल किया, तो उसके ऊपर मुझे उनके शॉप में अवेलेबल मिल गया, तो मैंने वहाँ से ले लिया। तो उसका जो रैक है वो ऑलरेडी मैंने फिट कर लिया था, पूरा ये सेटअप फिट कर लिया था। बस आप लोगों को सिर्फ मुझे इतना ही वीडियो में दिखाना था कि ये किस टाइप से आप लोग इसके फिटिंग कर सकते हो और इसके थोड़े से रिव्यूज़ या तो इसके कुछ बेनिफिट्स मैं आपको बताना चाहता था कि इसके अंदर क्या अच्छी बात है क्या बुरी बात है। तो देखते हैं अब हम लोग, तब तक के लिए बने रहिए। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो पहले आप जाकर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छे लगते हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और एक छोटी सी कमेंट कर देती जाओ, जो कि आप लोगों के कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है, तो हम लोग इसी तरह के आगे वीडियो बनाते रहेंगे। सो स्टे ट्यून्ड।